वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज़ मी अपूर्वा और आप देख रहे हैं ग्लैमरहॉलिक ऑफिशियल. सो हैप्पी दुर्गा पूजा टू यू ऑल एंड हैप्पी नवरात्रि. ये हमारे दुर्गा पूजा सीरीज़ का सेकेंड मेकअप लुक है. होप दैट यू लाइक दिस मेकअप लुक. और इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड इन्जॉय इट. अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. अपने मेकअप को शुरू करते हैं हम पहले अपने स्किन को प्रेप करते हुए. सो स्किन प्रेपिंग के लिए मैंने लिया है सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र. एंड यूजुअली मैं अपने सारे मेकअप के लिए सेटाफिल के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. स्पेशली इसका जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है. आप अपने रेगुलर स्किन केयर रूटीन में भी इसे ऐड कर सकते हो. सो मॉइस्चराइजिंग को अच्छे से करने के बाद अपनी स्किन को 2 मिनट का रेस्ट दीजिए सो दैट आपको जो मॉइस्चराइजर है वो आपकी स्किन पर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए. मॉइस्चराइजर के बाद आपको यूज़ करना है प्राइमर. प्राइमर मैंने लिया है इनसाइट का पोर मिनिमाइजर प्राइमर. पर्सनली मुझे इनसाइट के प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल और अच्छे लगते हैं. अगर आपने इनसाइट का प्राइमर यूज़ नहीं किया है तो आप एक बार उसे ज़रूर ट्राई करें. प्राइमर से आपका जो बेस है वो काफ़ी फ्लॉलेस आता है. सो अगर आप फाउंडेशन से पहले प्राइमर को यूज़ करते हो तो आपका फाउंडेशन इवनली स्प्रेड होता है और आपका जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है. प्राइमिंग के बाद हमें यूज़ करना है फाउंडेशन. और फाउंडेशन मैंने लिया है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन एंड माय शेड इज़ 330 टॉफी. आप अपने शेड के अकॉर्डिंग मेबलिन की रेंज में फाउंडेशन परचेज कर सकते हो. फाउंडेशन को मैं लगा रही हूँ यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर. अगर आप ब्रश का यूज़ करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो. फाउंडेशन को अपने फेस पे इवनली स्प्रेड करने के बाद मैंने लिया है क्रायलॉन का फाउंडेशन पैलेट. और जो शेड मैंने यूज़ किया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो अपने फेस के उन जगह पे जहाँ मुझे एक हाइलाइटिंग इफेक्ट देना है वहाँ इस फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ. स्पेशली अपने अंडर आई एरियाज पे, फोरहेड पे और चिन पे. अपने बेस को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमें उसे करना है बेक. सो फॉर दैट मैंने लिया है लैक्मे का रोज़ पाउडर एंड यूजिंग अ पाउडर पफ हमें उसे बेक कर लेना है. सबसे पहले मैं अपने अंडर आइज को बेक कर रही हूँ सो दैट हमारा जो आई शेडो है जब हम अपने आई मेकअप पे वर्क करेंगे सो जो भी फॉल हो वो अच्छे से ईजिली रिमूव हो जाए.
बेक करने के बाद हमें यूज़ करना है ब्लश। सो ब्लश मैंने लिया था इनसाइड का, एंड दिस इज़ अ वेरी प्रिटी पिंक कलर। जैसा कि हम बहुत सटल आई मेकअप करने वाले हैं, सो पिंक विल लुक गुड, मैंने सोचा, इसलिए मैंने पिंक यूज़ किया है इस मेकअप लुक के लिए। अब हम आते हैं अपने आई मेकअप पे। सो आई मेकअप के लिए मैंने लिया है आई लव NYBE आई शेडो पैलेट, एंड दिस पैलेट इज़ विथ 9 कलर्स। एंड सबसे पहले मैंने लिया है एक पीच ऑरेंज शेड, और उसे लगाना है हमें अपनी क्रीज लाइन पे। आप चाहो तो अपने पूरे आईलेट पे से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो यूजिंग अ फ्लफी ब्रश। मेक श्योर जो आपका कलर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए आपके आईज पे, स्पेशली क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर दीजिएगा, बिकॉज ये हमारा ट्रांजिशन कलर है जो आपको काफ़ी लाइट रखना है, और ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए ट्रांजिशन में। नेक्स्ट वी आर यूजिंग द सेम पैलेट, और वहाँ से हमें पिक करना है ब्राउन शेड। ब्राउन शेड हमारे आई मेकअप को डेप्थ देगा, सो आउटर क्रीज पे हमें इस कलर को ब्लेंड करना है, एंड इनर क्रीज पे भी करना है, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ सटल लुक। सो हमें कुछ नहीं करना है अपने आई मेकअप पे, बस एंड पे एंड इनर क्रीज पे, आई मीन आउटर एंड इनर क्रीज पे आपको इस कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और सेंटर पे हम बस शिमर लगा देंगे। अपने आउटर और इनर क्रीज पे ब्राउन कलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमें एक छोटे से ब्रश से अपने लोअर लैश लाइन पे भी सेम कलर को लगा लेना है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी 32 कलर फॉरएवर आई शेडो पैलेट, और वहाँ से मैं यूज़ कर रही हूँ प्यारा सा गोल्डन ग्लिटर शेड फॉर माई शिमर, और हमें एक फ्लैट ब्रश के यूज़ से उसे अपने आईलेट के सेंटर पर लगा लेना है, एंड विद दिस आर आई मेकअप गो सटल सॉफ्ट एंड फेस्टिव, बेस्ट फॉर दिस दुर्गा पूजा मेकअप। एंड आपको इसे भी अच्छे से लगा लेना, मेक श्योर आप उसे सेंटर पे ही लगाओ, इसका आप ध्यान रखना। सो जब अपने आपका आई मेकअप कंप्लीट कर लिया हो, उसके बाद हम आते हैं आईब्रोज़ पे। आईब्रोज़ के लिए मैंने लिया है HR का ब्लैक आईब्रो पेंसिल। सो सबसे पहले आपको उस पुली की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को कॉम कर लेना है। नेक्स्ट आपको जो पेंसिल है उसके यूज़ से अपने आईब्रोज़ को अच्छे से डिफाइन कर लेना है। HR की जो आईब्रो पेंसिल है वो दो शेड में आते हैं, ब्राउन एंड ब्लैक। आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो शेड है आईब्रोज़ का वो चूज़ कर सकते हो। ब्लैक जो है वो थोड़ा डेप्थ लगता है, एंड ब्राउन लुक्स नेचुरल। सो रेगुलर के लिए आप ब्राउन को यूज़ कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर पार्टी मेकअप लुक और फेस्टिव मेकअप लुक, आपको ब्लैक के साथ जाना चाहिए, बिकॉज वो आपके आईब्रोज़ को और डिफाइन दिखाता है। सो पेंसिल से अपने आईब्रोज़ को लाइन करने के बाद आप फिर से एक बार उसे पूरी से कॉम कर लीजिए, ये आपको और नेचुरल लुक देगा।
अब हम लेते हैं काजल। काजल मैंने लिया है NYB का ब्लैक काजल है ये। मुझे NYB के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ड्रग स्टोर प्रोडक्ट में इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, वेदर इनके फाउंडेशन हो या कंसीलर हो, दे आर टू गुड। सो काजल को अच्छे से अपने वाटर लाइन पे लगा लेने के बाद मैंने लिया है मेबलिन का जेल लाइनर। जेल लाइनर से मैं एक छोटा सा विंग क्रिएट कर रही हूँ अपने आईलिड पे एंड उसे हम स्मज कर देने वाले हैं। सो मेक श्योर आपका जो लाइनर है वो थोड़ा सा थिन हो, बिकॉज अगर आप थिक क्रिएट करते हो उसके बाद आप उसे स्मज नहीं कर पाओगे। सो थिन लाइन क्रिएट करना है जो कि ईजिली स्मज हो जाए। आईलाइनर के बाद हम अपने फेस को करते हैं हाईलाइट। सो यूजिंग द स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट, वहाँ से मैंने लिया है एक शैम्पेन गोल्ड कलर और उसे मैं लगा रही हूँ अपने ब्रो बोन पे, टियर डक पे, लिप के सेंटर पे, नोज़ पे और चीक्स पे। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। ये शैम्पेन कलर काफ़ी प्यारा लगता है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू गो विथ गोल्ड आप गोल्ड कलर को भी यूज़ कर सकते हो। सो आफ्टर हाईलाइटिंग अब हम आते हैं लिप्स पे। लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है मेबलिन का लिपस्टिक। इट्स अ वेरी गुड डार्क मरून शेड, मरून या रेड आप दोनों कह सकते हो। ये काफ़ी प्यारा सा शेड है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसे हमें अपने लिप्स पे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। सबसे पहले मेक श्योर आप अपने लिप्स को आउटलाइन कर लो सो दैट जो आपका लिप्स है उसका शेप सही रहे। सो वी आर यूजिंग दिस ब्यूटिफुल रेड शेड। सो लिपस्टिक के बाद हमें लगाना है लैशेज एंड माई लैशेज ऑफ स्विस ब्यूटी। ये स्विस ब्यूटी के मीडियम वॉल्यूम लैशेज हैं। इसे आपको अच्छे से अपने आईलिड्स पे लगा लेना है और मेक श्योर आप अपना जो लैश है वो कट कर लियो अपने लेंथ के अकॉर्डिंग एंड देन आप उसे यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है। सो आईलैशेस के लगा लेने के बाद हमारा जो लुक है वो कंप्लीट होता है। सो फेस्टिवल के लिए ये लुक काफ़ी प्यारा है। आप चाहो तो दिवाली वगैरह में भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। मैंने अपने बालों को नेचुरल रखा है, बस कर्ल कर लिया फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड विद दिस आवर लुक इज़ कम्प्लीट। होप दैट यू इन्जॉय दिस वीडियो, आपको ये लुक पसंद आया हो दुर्गा पूजा के लिए। एंड हियर इन दिस वीडियो आई एम वेयरिंग अ प्रिटी ब्लैक साड़ी जो कि मैंने लिया था मीशो से, आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।